इसका एक तो मेन कहानी ये है कि जो जैसे ज्यादा सुगर मैनेज हो जाते हैं तो सांस लेने में इसका पता चलता है। अच्छा, जो ये सांस ले रही है तो लेगी तो इस नाक से ऐसे फड़कन से पता लगता है कि ये घोड़ी। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बाबा स्टड फार्म टोंग राजस्थान में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपको सलीम भाई से मिलवाते हैं जो भी टोंग जिले के अंदर निवाई में कोई डाणी चाड़ की डाणी वहाँ पर घोड़े फेरने आए, तो आज इनसे हम चर्चा करेंगे। और जो आप ये घोड़ी देख रहे हो ये अभी 5 महीने 7 दिन की सुबर है, तो इस घोड़ी से हम ये पता करेंगे कि जैसे अगर 5 महीने की सुबर घोड़ी होती है तो वो किस हिसाब से लक्षण दिखाती है, क्या क्या उसमें देखा जाता है। नमस्कार सलीम भाई। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले आप अपना पूरा नाम और एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर सब बता दो। मेरा नाम सलीम भाई है, सीकर जिले से, फतेहपुर से। अच्छा, घोड़ी मास्टर हो आप? हाँ जी, हाँ जी। घोड़ियों को ट्रेन करते हो? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। चाल में, डांस में, सब में? सभी काम है, नाचना, चालना, सोना, रमाना, मारा डालना, सब काम सारे। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपके मोबाइल नंबर भी बता दो। मोबाइल नंबर है अपने 86 96 30 2002। अच्छा, तो इनसे आप कांटेक्ट करके अपनी अगर घोड़ियां फिराना चाहते हो, ट्रेनिंग देना चाहते हो डांस की या चाल की, तो ये काम करते हैं। बिल्कुल। तो अभी आप जो ये घोड़ी पकड़ रखे हो ये अबलक में आ गए? हाँ, ये अबलक है, काली अबलक हो गई। अबलक है। तो आप बता रहे हो कि ये 5 महीने की सुबर है? हाँ, 5 महीने की सुबर। तो ये बताओ कि जैसे अभी कई घोड़ा पाल रखे तो उनके प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कई घोड़ियां होती है तो घोड़ा उड़ाने के बाद में खाली रह जाती है और कुछ लक्षण दिखाती नहीं है, तो कई घोड़ियां तो 11 महीने में जाकर वापिस बोल भी जाती है, हीट निकाल देती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, क्योंकि अगर किसान लोग अगर घोड़ी रखेंगे उनको क्रॉस करवाएंगे तो अगर वो बाद में जाके खाली रह जाएगी तो उनके फिर वो नुकसान ही लगेगा। वो नुकसान ही हो जाता है कि कई बार क्या जानवर 11 महीने तक बोलते ही नहीं है। हाँ। और कई जानवर ऐसे होते हैं जैसे मीट निकाल लेते हैं, पेट को लटका लेते हैं। बिल्कुल। ठंडा स्वभाव करते हैं तो घोड़ा डालने के बाद खाली रह जाए तो वो भी करती है। और जैसे ग्याबन है तो वो भी वैसा ही स्वभाव करेगी। अच्छा। और कोई जानवर ऐसा होता है जैसे ग्याबन घोड़ा मान जाता है तो मतलब कुछ गर्माहट करता है शरीर में, गर्माहटपना करता है, जैसे आदमी में टूटना, कान दबाने, और उसके लक्षणों से महसूस हो जाता है कि ये घोड़ा मान चुकी है। अच्छा। और कई घोड़े होते जो पूरे 11 महीने तक वापस हीट पे भी नहीं आती। हाँ, बिल्कुल नहीं आती, प्रॉब्लम हो जाती है। हो जाती है। तो जैसे अभी ये बताए थे कि 5 महीने 7 दिन की सुबर बता रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर कोई अनजान आदमी देखना चाहे तो कैसे पता करेगा कि ये सुबर है? इसका एक तो मेन कहानी ये है कि जो जैसे ज्यादा सुबर मैनेज हो जाते हैं तो सांस लेने में इसका पता चलता है। अच्छा, जो ये सांस ले रही है तो इस नाक से ऐसे फड़कन से पता लगता है कि ये घोड़ी जो डबल बार सांस लेती है उसी हिसाब से सांस इस तरीके से लेगी जैसे उस पर लोड पड़ रहा हो। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि अंदर एक सांस बच्चे के लिए, एक सांस माँ के लिए, प्लस में दूसरा जैसे बैठने उठने में, सोने में, करने में बिल्कुल ठंडा स्वभाव हो जाता है। अच्छा। तीसरा ये है कि जैसे चलेगी तो सांस भरेगी घोड़ी। अच्छा, चलने में सांस भरेगी। तो ऐसा समझो कि घोड़ी क्या बने। अच्छा, और चौथा लक्षण? चौथा लक्षण ये है कि जैसे पेट से मालूम पड़ जाता है। अच्छा। धड़कन को 10-5 मिनट खड़ा होके उसकी धड़कन को महसूस करोगे भी ये। हाँ, जैसे अभी 5 के हो गए तो आगे से देख रहे हो तो पेट थोड़ा साइड में निकल चुका है, पेट निकला हुआ है और उसकी यहाँ से धड़कन क्या महसूस हो जाती है। अच्छा अच्छा, इस जगह से बगल में जो, और इसके अलावा जो शरीर में देख के पता करते हैं वो? हाँ, तो गादी वगैरह? गादी तो क्या, गादी अभी 8-10 महीने पहले गादी निकालती नहीं है। नहीं, जैसे फिर वो बनते है ना? बनते वो तो 8 महीने में बनती जागे। अच्छा। हाँ, और तो जो नीचे से ये दिखा रहे हैं गादी? हाँ, ये जैसे नीचे ये है, ये दो जगह पे ये है, जैसे फुलाव ले लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, तो ये समझो घोड़ी। और थने थोड़ी दूर हो जाती है। हाँ, थने थोड़ा खुला हो जाता है इसका। अच्छा। हाँ जी, फिर जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो यह फूलता हुआ बाहर आ जाएगा। बिल्कुल फूलेगा यहाँ से। अच्छा, और ये जो बवरिया है इससे? इससे ये कि जैसे अब ये नजदीक है। हाँ, तो धीरे धीरे जैसे ज्ञापन होगा धीरे धीरे उसको फैला हो जाएगा। अच्छा, ये चौड़ी होती जाएगी। हाँ, बिल्कुल चौड़ी होती। और एक वो भी पीछे से देखने से पेट भी जैसे थाले के आकार का दिखता है, कई लोग बताते हैं उस हिसाब से। अच्छा, तो इस हिसाब से कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। तो एक बार इसके जो लक्षण है, एक तो ये सांस लेने का है, इसके अलावा जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से, दूसरी इसके नीचे बाल बवरी होती है उसके हिसाब से पता लगाया जाता है। दूसरी बात की अगर हम पीछे से देखेंगे तो जो इसका ये पेट है तो ये थाले के आकार के दिखाई देगा, घोड़ाई को छोड़कर थाले के आकार में निकल जाएगा। अच्छा, तो आपका इंट्रोडक्शन हो ही गया, घोड़ी का इंट्रोडक्शन हो गया। अगर किसी भाई को और कोई दिक्कत हो जान पहचानने में तो कमेंट करके पता कर ले, बिल्कुल इनसे बात कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम और वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। धन्यवाद दोस्त।